इंदौर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों को जिला कलेक्टर ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में शपथ दिलाई। ज्ञात रहे कि शपथ विधि का मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार को अभय प्रशाल में हो चुका है, लेकिन कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने अलग से शपथ लेने के लिए जिला कलेक्टर से कहा था, इसलिए इन पार्षदों को आज दोपहर में 3 बजे शपथ दिलाई गई। इंदौर नगर निगम चुनाव के बाद निर्वाचित पार्षदों को हर बार कलेक्टर कार्यालय में शपथ दिलाई जाती है, लेकिन इस बार निगम चुनाव के बाद एक नवाचार किया गया, जिसके तहत महापौर और पार्षदों को भव्य कार्यक्रम के तहत इंदौर के अभय प्रशाल में शपथ दिलाई गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मुख्य समारोह में शपथ लेने से इनकार कर दिया था। शनिवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों को कलेक्टर कार्यालय में शपथ दिलाई। शपथ के दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष के साथ ही विधायक संजय शुक्ला और कृपा शंकर शुक्ला भी मौजूद थे। तो मैंने आपको यही तो बताया कि हमने 4 दिन पूर्व हमने इसका विरोध किया था कि आप जैसे आज कलेक्टर ऑफिस में हम यहाँ सब इकट्ठे हैं, वैसे वो लोग भी इकट्ठे जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए। एक केवल भारतीय जनता पार्टी का सर, मुझे मैं अभी उसके लिए क्वेश्चन लगाऊंगा आरटीआई के अंतर्गत, उसके बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि उनने कितना खर्चा लगा, अभी तो मैं नहीं बता सकता। किंतु हमने उनको भूल में भी कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी का दिखावा और ढोबसलेबाजी और जनता के बीच में एक मैसेज देना कि देखो हम जीत गए और करोड़ रुपए खर्च कर दिए, करोड़ इसका हमारा विरोध था, इसलिए हमने आज यहाँ पर शपथ। केवल एक निर्दलीय बचे हुए हैं, केवल एक निर्दलीय बचे हुए हैं अभी, बाकी 84 लोग पार्षद शपथ ले चुके हैं, एक निर्दलीय को भी मैं अभी शपथ दिलवाऊंगा थोड़ी देर। हाँ, एक राजू भदौरिया की भी नहीं हुई है, हाँ जेल में है, उनकी भी नहीं हुई है, वो जब जेल से छूट के आएंगे 3 महीने के अंदर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आयुक्त महोदय की अनुमति लगती है उसमें, उसके बाद भी हो जाएगी। 8 तारीख को परिषद है, उसमें हम लोग फिर सब लोग मिलने वाले हैं, और जो इंदौर के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और जो मुद्दे हैं उस पर भी हम जरूर बात करेंगे, और हर वक्त करते आए हैं और आगे भी करेंगे, और आगे देखिएगा आप कि विपक्ष मजबूत होता होकर नजर आएगा। नेता प्रतिपक्ष कोई भी बने, हम सब एक परिवार के लोग हैं, ये आगे अपना काम देखना है, अपना क्षेत्र देखना है, आगे परिषद है, परिषद में अपनी बातें रखनी है, यही आगे रहे। बहुत है अभी, देखिए अभी हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष की भी डिक्लेरेशन होना बाकी है, उसको देखे जो बनता है उसके साथ पूरा सहयोग से काम करना है, पूरा परिवार बन के काम करना है, अभी परिवार बन के वार्ड में काम किया था, परिवार बन के परिषद में काम करना है।